ये जब इंडस्ट्री में पहली बार आए थे तो इनकी शक्ल देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि तुम हीरो मटेरियल नहीं हो, तुम बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम हीरो कभी नहीं बन पाओगे। कट टू अगर आज की बात करें तो इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का बिजनेस करती है, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी हो या ड्रामा हो या उनके सीरियस रोल्स हो, सब कुछ सुपर हिट है। बात हो रही है सुपरस्टार अजय देवगन की। अजय देवगन ने बॉलीवुड में एंट्री मारी फिल्म फूल और कांटे की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे ही इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हुई तब अनिल कपूर ने अजय देवगन को अपनी फिल्म को रिलीज करने से रोक दिया था। तो आज कब क्यों और कैसे में हम बात करेंगे कि कब अजय देवगन को मिली उनकी पहली फिल्म, क्यों अनिल कपूर ने उन्हें फूल और कांटे को रिलीज करने से रोका और कैसे अजय देवगन ने अनिल कपूर को मात दी। बात है ईयर 1991 की। डायरेक्टर कीकू कोहली, जो कि राज कपूर को बॉबी जैसी फिल्म पे असिस्ट कर चुके हैं, वो अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू करने जा रहे थे फिल्म फूल और कांटे से। इस फिल्म के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी, क्योंकि अजय देवगन के पिता वीरू देवगन, जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टंट डायरेक्टर है, वो कीकू कोहली के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए अजय को चुना। अजय उस वक्त 19 साल के थे, अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे और आगे बॉलीवुड में वो डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि अजय देवगन बॉलीवुड में उतरे सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर बनके। और फाइनली अपने पिता के कहने पर उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया और वो आ गए बॉलीवुड के मेनस्ट्रीम हीरो बनने के लिए। फूल और कांटे सिर्फ अजय देवगन की ही पहली फिल्म नहीं थी, बल्कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस मधु, उनकी भी ये डेब्यू फिल्म थी। साथ ही डायरेक्टर कीकू कोहली भी इस फिल्म से डायरेक्शन में कदम रख रहे थे, यानी कि फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और पूरी टीम नई थी। इसी दौरान डायरेक्टर यश चोपड़ा अपने दो बड़े स्टार्स को लेकर एक बड़े बैनर की मूवी बना रहे थे। इस मूवी का नाम था लम्हे और इस फिल्म में उन्होंने कास्ट किया श्रीदेवी, जिनकी पिछली चालबाज और चांदनी सुपर हिट रही थी। साथ ही इस फिल्म में हीरो थे अनिल कपूर, जिनकी राम लखन रिलीज हुई ही थी। लम्हे फिल्म बड़े स्टार कास्ट की थी, बड़े बजट की थी। इस फिल्म की शूट अब्रॉड में भी हुई, साथ ही एक बड़े बैनर की फिल्म थी। और इस बार यश चोपड़ा जनता को कुछ अलग ही स्टोरी देना चाहते थे। इस फिल्म के बहुत चर्चे थे और ये फिल्म माना जा रहा था कि सुपर डुपर हिट होगी। माना जा रहा था कि लम्हे फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। इस फिल्म की रिलीज डेट रखी गई 22 नवंबर 1991। सेम दिन अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे भी रिलीज होने जा रही थी, लेकिन डायरेक्टर यश चोपड़ा ने सोचा कि ये फिल्म बी ग्रेड होगी तो लम्हे को क्या टक्कर देगी। जब फूल और कांटे फिल्म का प्रीमियर हुआ तो कोई भी बड़ा स्टार इस प्रीमियर में नहीं आया, लेकिन अनिल कपूर एक अकेले एक्टर थे जो इस फिल्म के प्रीमियर पे आए। अनिल कपूर जब अजय देवगन से मिले तो उन्होंने अजय देवगन को फिल्म की रिलीज डेट टालने की सलाह दी। अनिल कपूर ने अजय से कहा कि इस फिल्म के साथ वो अपनी फिल्म रिलीज करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, चाहे तो वो अपनी फिल्म को कभी और भी रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि लम्हे तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। फिर क्या था, 22 नवंबर आई और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। लम्हे फिल्म को लोगों ने बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। माँ के प्रेमी के साथ बेटी का इन्वॉल्व होना, लोगों ने इस कंसेप्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। ये हमारी इंडियन वैल्यूज के खिलाफ गया और इंडिया में इस फिल्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया। हालांकि ओवरसीज में लम्हे फिल्म को काफी पसंद किया गया, लेकिन इंडियन ऑडियंस ने तो लम्हे को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और इसी का फायदा हुआ अजय की फिल्म फूल और कांटे को। अजय देवगन की एक्टिंग को पसंद किया गया, इस मूवी को सुपर हिट कहा गया, मधु और अजय देवगन की केमिस्ट्री भी लोगों ने काफी पसंद की। जिस वक्त अजय देवगन इस फिल्म पे काम कर रहे थे तब उन्हें खुद नहीं पता था कि आगे चल के ये मूवी इतनी सुपर हिट होगी, क्योंकि इस फिल्म की स्टार कास्ट न्यू थी और डायरेक्टर भी न्यू थे और इसकी टक्कर थी एक बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म, बड़े बैनर की फिल्म लम्हे से। फूल और कांटे के रिलीज के 1.5 साल बाद अनिल कपूर फिर से जब अजय देवगन से मिले तो उन्होंने अजय को उस बात के लिए सॉरी कहा और कहा कि यार तुम्हारी मूवी तो मेरी मूवी पे ही भारी पड़ गई। सॉरी यार, वेरी सॉरी। आगे चलकर अजय देवगन ने अपने एक्टिंग के दम पर 2 नेशनल अवार्ड्स जीते, साथ ही उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और रिसेंटली अजय देवगन और अनिल कपूर हमें एक साथ दिखाई दिए थे फिल्म टोटल धमाल में। कब क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड ठिकाना के यूट्यूब चैनल को।